असलकुम माई डयर फ्रेंड्स वे आर गोइंग थ्रू अ पैसेज इन अ वे इज स्टोरी फ्राम गांधी जीज़ ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि हाउ ही सेव्ड वन ऑफ़ हिज़ कोलीग वन ऑफ इज़ कोवर्क वन ऑफ इज़ फ्रेंड फ्राम अ वेरी बैड फ्राम अ वेरी बैड सिचुएशन तो उसकी एक स्टोरी बताई गई है कि कैसे उसको बचाया गया उस परेशानी से जो जिसमें वो गलत कामों की वजह से जो है फंस गया था हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रुस्तम जी जीज़ गिल्ट वॉज़ फाउंड और वो बहुत परेशान था तो उसने घर के गांधी जी से बात की और गांधी जी ने उनको थोड़ा सा काम किया उनको थोड़ी तसल्ली दी उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई की वो कि वो उनके उस गलत काम करने की वजह से उनसे नाराज़ हो गया था तो फाइनली गांधी जी जो जो हैं वो एक शर्त पे उनको बचाने के लिए तैयार होते हैं दैट्स बाय मींस ऑफ कन्फेशन यानी एक तरह से उसको अपने जुर्म का इकरार uh, करना पड़ेगा अपने uh, जुर्म का एतराफ़ करना पड़ेगा उस सूरत में उसको जो है वो बचाया जा सकता है तो यह इस बैरा पर पे हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था गुड uh, फारसी फेल्ट डीपली मोटिफाइड is not my confession before you enough he said. तो ये जो फारसी रुस्तम जी था ही फेल्ट वेरी मोटिफाइड ही फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड उसको बहुत ही शर्मिंदगी हुई बहुत शर्मिंदा हुआ वो ही फेल्ट वेरी डिस्क्रेस्ड एंड डिसअपॉइंटेड बहुत शर्मिंदगी उसको महसूस हुई जब ये सब हुआ है जब गांधी जी के सामने उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा लेकिन ये गांधी जी को जवाबन कहता है कि क्या आपके सामने मेरा किया हुआ कन्फेशन आपके सामने में अपने गुनाह का अतरा काफ़ी नहीं है गांधी जी इसको जवाब देते हैं यू रॉन्ग नॉट मी बट द गवर्नमेंट हाउ विल कन्फेशन हाउ विल द कन्फेशन मेड बिफोर मी या वेल्यू आई रिप्लाइड जेंटली तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने उनको बड़े सॉफ्टली जेंटली मीन्स वेरी सॉफ्टली बड़े नर्म लहजे में उनको वापस uh, जवाब दिया कि मेरे सामने कन्फेशन इज़ ऑफ नो अवेल इज़ ऑफ़ नो यूज़ इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे भी आपको कोई एडवान्टेज नहीं मिलेगा जो कन्फेशन जो एराफ़ आप मेरे सामने कर रहे हैं बिकॉज यू हैव रॉन्ग गट नाट मी क्योंकि आपने गवर्नमेंट uh, को चीट किया है रॉन्ग मीन चीटेड आपने गवर्नमेंट के साथ गद्दारी की है आपने गवर्नमेंट के साथ धोखा uh, किया है आपने गलती गवर्नमेंट के साथ की है गवर्नमेंट के तय किए हैं तो मेरे सामने कन्फेशन का कोई मतलब जो है वो नहीं होगा ऑफ कोर्स आई विल आई विल डू जस्ट एज़ यू एडवाइस तो रस्तम जी वापस कहते हैं कि जी बिल्कुल मैं वही करूँगा जो जिसकी जो सलाह आप मुझे देंगे बट विल यू नॉट कंसल्ट माई ओल्ड काउंसिल मिस्टर ही इज़ अ फ्रेंड टू सेट पारसरस्तम जी लेकिन ये साथ में इसको ये भी बोलते हैं कि मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे लेकिन क्या आप मेरे ओल्ड काउंसिल को कंसल्ट करेंगे जो कि मेरा एक दोस्त है काउंसिल का मतलब होता है कि मेरे आ, पुराने एडवोकेट को जो लीगल एडवाइज़र होता है उसको आप कंसल्ट करें तो बेहतर रहेगा उससे बात करना अगर आप बेहतर समझें तो करेंगे क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त है इनकोरी रिवील दैट द स्मगलिंग गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम बट द एक्चुअल ऑफेंस वाज डिटेक्ट डिटेक्टेड इन्वॉल्व एट्रिफलिंग ऑफ सम तो जो इनक्री थी जो इन्वेस्टिगेशन uh, थी जो एक तरह से एग्जामिनेशन था जो पूछताछ थी जो तफ्तीश थी तहकीकात में पता चलता है तहकीकात की वजह से ये रिवील हो गया ये डिस्क्लोज हो गया रिवील मींस डिस्क्लोज कि ये स्मगलिंग जो है ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही है और सबसे इम्पॉर्टेंट गुना जो था सबसे एक्चुअल जो क्राइम था ऑफेंस का मतलब होता है क्राइम वो था ट्रिफलिंग इन्वॉल्ड ट्रिफलिंग सम वो ये डिटेक्ट हुआ वो ये आ, आ, सामने आया कि उसने पैसों के साथ भी थोड़ा बहुत खुद बर्द किया था वी वेंट टू हिज काउंसिल हम उसके एडवोकेट के पास गए ही परयूज द पेपर्स तो उसने वहाँ जाके ही परयूस का मतलब होता है ही एग्जामिनेट पेपर्स ही एग्जामिनेट दूस मीन्स ही क्रॉस चेक द पेपर्स उसने वो पेपर्स देखे जो उन्होंने उसके सामने लेके गए थे उन्होंने आ, उनको एग्जामिन किया एक तरह से चेकआउट किया उनका मताल किया उनको ठीक तरह से जांचा एंड सेड और उसके बाद क्या कहा द केस विल बी ट्राइड बाई ए जूरी एंड नेटल जूरी विल बी द लास्ट टू एक्विट एन इंडियन तो वो कहता है कि ये केस जो है इसका मुकदमा जो है जूरी चलाएगी जूरी एक पैनल होती है दट हस लीगल मैटर्स यानी कि एक कमेटी होती है जज की जो लीगल इश्यूज को जो है डिस्कस करती है तो वो नॉर्मल जूरी जो है वो इसको एक इंडियन को एक्विट करेगी एक इंडियन को जो है वो रिलीज़ कर सकती है या इस पर इस पर से ये जो इल्ज़ाम है इस इल्ज़ाम को रिमूव कर सकती है यानी उसको रिहा या उसको बरी कर सकती है बट आई विल नॉट गिव अप होप लेकिन मैं ना उम्मीद नहीं होने मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा आई डो नॉट नो दिस काउंसिल इंटीमेटली मैं इस गांधी जी कहते हैं I do not know this council intimately. पारसी रस्तम जी intercepted. I thank you, but I should like to be guided by मिस्टर Gandhi ji's advice in this case. तो कहता है कि मैं इसको वेरी closely, intimately means closely। मैं इस council को closely नहीं जानता था लेकिन पारसी रुस्तम जी ने बीच में इंटरसेप्ट किया उसने इंटरप्ट किया वो बीच में बोला और कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं गांधी जी की सलाह पर इस मामले में चलूँ

एंड नाउ एक्सप्लिंग माई वेव वाई सेट टू हिम आई डोंट थिंक दिस केस शुड बी टेकन टू कोर्ट एट ऑल तो उसके बाद अपना व्यू पॉइंट समझाते हुए अपना नजरिया उसको बताते हुए मैंने उसको कहा कि मुझे लगता है कि ये केस जो है ये कोर्ट में नहीं जाना चाहिए इट रेस्ट्स विद द कस्टम्स ऑफिसर्स टू प्रोसिक्यूट यू आर लेट यू गो अब ये कस्टम्स ऑफिसर पर डिपेंड करता है जो वो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे वो या जो आपकी इन्वाइस ट्रस्ट पे लेते थे ये उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको प्रोसिक्यूट करेंगे या नहीं यानी कि वो आप पे मुकदमा चलाएंगे या नहीं प्रोसिक्यूट मींस ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट या इसको हम कहेंगे ब्रिंग टू ट्रायल ब्रिंग टू ट्रायल मुकदमा uh, किसी चीज़ पर चलाना तो ये कहता है कि अब कस्टम्स ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड है कि वो आप पे केस चलाएँगे या आपको जाने देंगे एंड

जो जजेस हैं जो बड़ा जज है तो मैं दोनों से मिलने के लिए तैयार हूँ मैं आपको प्रपोज़ करता हूँ आपसे कहता हूँ कि आ, कि आपको पेनल्टी वर देनी चाहिए जो पेनल्टी वो लोग फ़िक्स करेंगे जो एक तरह से पनिशमेंट एक तरह से फाइन जो वो आ, एक तरह से जो पेनल्टी वो फ़िक्स करेंगे वो पेनल्टी आपको बर गई अब सवाल ये है कि वो पेनल्टी जो है वो एक तरह से एग्रीएबल होनी चाहिए वो एक तरह से फेवरेबल uh, होनी चाहिए मौजू होनी चाहिए यानी इतनी होनी चाहिए जितना कि आप भर सकते हो इफ़ दे आर नॉट अगर ये पेनल्टी अब इतनी ज़्यादा कि आप इसको नहीं भर पाएंगे देन यू मस्ट बी प्रपेयर टू गो टू जेल तब आपको जेल जाने के लिए तैयार होना चाहिए एंड आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट द शेम लाइज नॉट सो मच इन गोइंग टू जेल एज एज इन कमेंटिंग एज इन कमेंटिंग द ऑफेंस तो मेरे हिसाब से जेल जाने में उतनी शर्मिंदगी नहीं है जितना कि एक जुर्म करने में शर्मिंदगी है सो द डीड ऑफ शेम हैज़ ऑलरेडी बीन डन तो इसलिए वो शर्मिंदगी का काम जो है ऑलरेडी हो चुका है पिनन्स इंप्रे, तो इम्प्रजनमेंट जो है यानी जेल जो है यानी डिटेंशन जो है कैद होना जो है उसको आपने एज ए पिनन्स समझना चाहिए यानी कि एक एक तोबा के तौर पे उसको लेना चाहिए चाहिए द रियल पेनस लाइज एंड रिज़ोलविंग नेवर टू स्मगल अगैन और सबसे बड़ा तोबा यह है कि आपको आज से रिज़ोल्व करना होगा आज से ये आपको अपने साथ वादा करना होगा कि आप ये स्मगलिंग दोबारा नहीं करेंगे आप जो है ये गलत काम दोबारा नहीं करेंगे